हमारे YouTube चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इजी हक्का नूडल्स बनाने की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम सामान में बनी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी क्या तैयारी कर ली है और कैसे इसको बनाना है। मैंने एक साइड ये नूडल्स निकाल के रखे हैं पैकेट से और पानी एक बॉयल होने के लिए रख दिया है ताकि ये नूडल्स को बॉयल कर सके। इस पानी में आप थोड़ा सा ये देखिए पानी में थोड़ा सा आप तेल डाल दीजिए और इसके अंदर नमक ऐड कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके नूडल्स हैं वो चिपकेंगे नहीं। जितनी देर में आपका पानी बॉईल हो रहा है और नूडल्स पकेंगे, नूडल्स को आपको ज़्यादा नहीं 8 या 9 मिनट पे हाई फ्लेम पे करके पकाना है। जब आपका पानी एकदम बॉयल जाएगा तो आपको नूडल्स उसमें डालना है, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। मतलब देखिए मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है, आप भी जैसे जैसे आपका पानी बन रहा है उसके साथ आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैबेज, कैप्सिकम, अनियन ये सब कट करके रख लिया है। आप चाहे तो उसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग में। मैंने सिर्फ अभी ये यूज़ कर रही हूँ, ये हक्का नूडल्स है चीज़ का मसाला, ये मसाला है। आप ये इतनी नूडल्स में मैं 5 पैकेट में 2 पैकेट ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डालने के बाद में आपको सिर्फ थोड़ा सा नमक ऐड करना पड़ता है, बाकी कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली आपका बन जाएगा। इसी में मैं चिंग्स का डार्क सोया सॉस और ग्रीन चिली और ये विनेगर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी अदर ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमने तैयारी कर ली है, अभी हमारा पानी बॉयल होएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए अभी हमारी ये बॉयल हो गई है, 10 मिनट मैंने बॉयल किया है। अब मैं इसको गैस को बंद करने जा रही हूँ। इतने ही साथ में कढ़ाई मैंने दूसरी चढ़ा ली है और उसमें तेल गरम कर लिया है। अब हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्याज। आपको गैस हाई फ्लेम पे या मीडियम पे रखनी है और इसको 3 से 4 मिनट तक इसको प्याज को चलाना है। आपके प्याज पक रहे हैं, प्याज को हिलाते रहना है और जब तक ये प्याज भून रहे हैं तब तक मैं ऐसा स्ट्रेनर लेके ये जो है अपना नूडल्स उसको ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। आप चाहे तो धोने के बाद में इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए ताकि वो आपका चिपके नहीं। ठीक है, यहाँ प्याज चला रहे हैं हम हाई फ्लेम पे। आपके जैसे ही प्याज थोड़ा भून जाएंगे आप उसके अंदर अपना गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दीजिए। देखिए हमारे प्याज 3-4 मिनट भून लिए हमने, अब इसके बाद हम इसमें गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और उसको फिर वापस 2-3 मिनट तक पकाएंगे। आपको उसको बीच बीच में ऐसे हिलाते जाना है ताकि ये जले नहीं, चिपके नहीं। देखिए अभी हमारी सब्जियां पकने आई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिंग चाइनीज का हक्का नूडल्स मसाला। ये डालने के बाद में इसमें आपको नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको नमक ज़्यादा लगता है तो अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है अभी। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल दीजिए। साथ में थोड़ा सा सिरका। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं भी ऐड नहीं कर रही हूँ, वो बाद में हम सर्विंग के टाइम ऐड कर देंगे। इसको 2-4 मिनट थोड़ा पकाइए। देखिए अभी हमारी सब्जियाँ पक गई हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स जो हमने ठंडी करी हुई है। नूडल्स को आपको 10 मिनट पकाने के बाद में ऐसे छलनी में डालना है और उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है ताकि वो चिपके नहीं। अब हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करेंगे। आपको इसको ऐसे हिलाते रहना है। तीन चार मिनट इसको पकाना है और पकाने के बाद में देखिए आपकी खिली खिली नूडल्स रेडी हो गई हैं।
इसके बाद में आप इसको चाहे तो ग्रीन चिली सॉस, रेड सॉस, जैसा भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए,